अज 25 मई जरा सरहद शहर के प्राइमरी स्कूल कैंप लगन जा रहा है, उसकी असं शुरुआत कर जा रहे हैं। ये किसी संस्था वालों नहीं है, किसी वालों नहीं है, ये आम पब्लिक का जरा है कैंप है, पब्लिक ने ही मैनेज किया, ये पब्लिक ही बैठी है मैनेज करने वाली, और जो इंजैक्शन लगवाने वो भी पब्लिक। सानू पहला दिक्कत आई हैं, जो भी असं उन्होंने वॉशआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आसी कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कूपन देखो, एक नंबर खाली भी है, बिल्कुल कोई पार्शियलिटी नहीं किसी होएगी, सारे कूपन खाली पे हैं, ये सारे कूपन खाली पे हैं। ये भी स्टार्टिंग करेंगे, ये रजिस्टर मेंटेन कर लगे हैं, ये भी खाली पे, बिल्कुल खाली है, किसी की पहला अप्रोच नहीं है, किसी की सिफारिश नहीं है। तो यह पब्लिक खड़ी है, ये पब्लिक में दिखा रहे हैं, ये सारे कूपन देखो जी खाली हैं, किसी की पहला कोई अप्रोच नहीं, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, दसो ठीक है जी, स्टार्ट कर ली। तो असं हम शुरुआत कर जा रहे हैं, परमात्मा कृपा करे, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अरुण गुप्ता वासी सरहद शहर, सारे शहर के वासियों के सहयोग नाल ते खास करके साढ़े सारे शहर के मेन कौंसलर के सहयोग के नाल अज सरहद शहर छोटा स्कूल के विच यह वैक्सीनेशन कैंप लगे है, जिस दे विच सानू उम्मीद है कि साड़ी 500+ डोज लगेगी। असी सारे शहर निवासियों को यही अपील करना चाहते हाँ कि वो वैक्सीनेशन लगाओ, जिदे नाल तुसीं अपना ते अपने परिवार का सुरक्षा कर सकते। मैं पुरानी सरहद जो अज यह कोविड वैक्सीन कैंप जो लगाया जा रहा है, सारे एम सी साहबान जो शहर के कौंसलर है उन्होंने वालों यह लगाया जा रहा है, तो इस दे विच जनता का भरपूर सहयोग जो सानू मिल रहा है। फतेहगढ़ साहब की टीम एस एस एफ संदीप सर का मैं दिलों थैंक्स करदा, तो उन्होंने सानू इस कैंप के 18+ जी डोज फ्री दी है। टीचा साडा यह है, असी नगरा साहब की सोच से पहरा देंदे हुए साडे एम एल ए सरदार गुरजीत सिंह नगरा जी ने सानू एक इंसेंटिव दिते सीगे कि शहर के विच कोई भी बंदा कोविड वैक्सीन तो ना रहे, फिर भी असी कोशिश करांगे भी मतलब ना रहे इस चीज़ में, मतलब वो वो डॉक्टर साहब का सहयोग लेंगे, तो जनता का जो सहयोग सूँ मिल रहा वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अभी पिछले कैंप से देखे मतलब जो कमियां सीगियां उन्होंने शुरू करने की कोशिश की है, साढ़े बासी साहब जो कौंसलर है लाहौरिया जी है बड़ी किसी के नाल है, तो स्पैशल प्लेयर जो रणधीर जी है, तो बब्बी जी है संस्था के कैंपर में जरा पवन जी, तो इन्हों की टीम जी है वो भी साधा साथ दे रही है, एज ए पब्लिक पब्लिक ने ही सामभिया पब्लिक जी है सेवा के लगे हुए हैं, पूरी सेवा करते करते अच्छे यही स्कूल के कैंप चलते हैं, बड़े वजिए तरीके चलते हैं, बड़े बड़े बच्चे मीटिंग किया हुआ, पब्लिक ने अपने आप ही मीटिंग किया हुआ, जी अपने एम सी साहबान उन्होंने बहुत अच्छे सेवा कर रही है, तो यह जी सेवा है ये चलती रहेगी साड़ी, तो जिन्होंने सानू मतलब पब्लिक ने सानू चुन के इतने भेजे शहर के नुमाइंदे बनाया, तो असी उन्हों की सेवा हर टाइम लगे रहेंगे, तो असी भी आस करते हैं कि पब्लिक जी है जी जनता हैगी है वो साढ़े नाल सहयोग करेगी, तो यह कोविड वैक्सीन कैंप जरा है खास तौर पर इस कोविड वैक्सीन कैंप के मीडिया का खास जो रोल है उन्होंने जी पब्लिक तक साड़ी गल ये पहुँचानी है, उन्होंने भी खास रोल है, खास पत्नी है मैं गुरशाद मुक्ति सरहद शहर निवासी, जो ये कैंप लगे है वो बहुत ही शलाघा योग कदम है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਟੀਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਲਾ ਇਹ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ 18+ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 600 ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕਦੇ ਧੱਫੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਸੀ ਆ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਨੀ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।